ओके, नाउ वी आर मूविंग टू राइटिंग टास्क टू. ये राइटिंग टास्क टू है आपके पास, ठीक है. दिस इज योर सेकेंड पार्ट. हियर यू हैव टू राइट इन 40 मिनट्स, यू विल बी राइटिंग 250 वर्ड्स. हाउ मेनी वर्ड्स यू विल बी राइटिंग? 250 वर्ड्स, एंड द टाइम यू हैव गॉट दैट इज 40 मिनट्स. इन 40 मिनट्स में आपने लिखना होता है. अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है? इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल टू टेक रिस्क. लोगों को रिस्क ले लेना चाहिए, बोथ इन देयर प्रोफेशनल लाइव्स एंड इन देयर पर्सनल लाइव्स. दोनों लाइव्स में उसको रिस्क ले लेना चाहिए. क्या मतलब है इसका? प्रोफेशनल लाइफ में रिस्क कैसे ले और पर्सनल लाइफ में रिस्क कैसे ले. और फिर आगे स्टेटमेंट है, डू यू थिंक द एडवांटेजेस ऑफ टेकिंग रिस्क. ओके, अब जो है ना जॉब वाला, फॉर एग्जांपल आई एम वर्किंग समवेयर, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आगे इससे आगे निकलूँ, मैं ग्रो करूँ. तो मैं सपोज एक जगह 50,000 ले रहा हूँ सैलरी, या मैं 1 लाख सैलरी ले रहा हूँ, तो वहाँ से मैं रिस्क लेके किसी और जगह मूव करता हूँ. हो सकता है मेरी सैलरी बढ़ जाए, हो सकता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाए, हो सकता है मेरी लर्निंग बढ़ जाए. यहाँ पे रह के मैं पिछले 5 सालों से सेम हूँ, 2 सालों से सेम हूँ, तो आगे जाके हो सकता है मैं आगे चले जाऊँ. ये भी हो सकता है कि मैं गिर जाऊँ. दिस इज रिस्क. अब मैं जैसे एक प्रोफेशनल लाइफ में एज एन आर्ट ट्रेनर काम करता हूँ, तो इफ़ आई चेंज दिस तो मैं किसी और जगह चला जाता हूँ. किसी और जगह जाता हूँ तो वहाँ पे क्या होगा कि हो सकता है मैं आर्ट ट्रेनर काम ना करूँ, एज ए न्यूज़ कास्टर काम करना शुरू कर दूँ. तो वहाँ पे मैं जब अपना फील्ड चेंज करूँगा तो माइट बी आई विल बी ग्रोइंग, माइट बी मैं धड़ाम से नीचे गिर जाऊँ. देर आर रिस्क. ओके, और पर्सनल लाइफ में यू आर वर्किंग एज अ टीचर एट व्हाट लेवल? At an elementary level. And what's your subject? Sir, my major subject is Islamic studies and MPhil in comparative study of religion. And my research work is... Chale, Allah khair kare. Achha, ab ye jo ek topic hai, is topic ke upar humne likhna hai essay, and ye ek essay hai. It is 6.5 band. Right? अच्छा, अब इसको हमने इसका पोस्टमार्टम करना है कि व्हाट इज देयर. अगर हम यहाँ से इसको देखते हैं तो इट इज सेड दैट टेकिंग रिस्क ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, हाउ एवर इट इज ऑल्सो गिव्स अस सम ड्रॉबैक्स. यानी कि लोगों का कहा कहना है, उनका कहना है कि यहाँ बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी मिलते हैं और नुकसान भी मिलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल On the other hand, also, as I mentioned, ये connectors हैं paragraph to paragraph. So you have to maintain the connectors in like paragraph to paragraph or within sentences. जैसे within sentences, ये in personal life, यहाँ पर देखें तो comma आया हुआ है. Sentence के beginning में however आया हुआ है, ठीक है, but ये आया हुआ है. These are connectors. यहाँ पर देखें firstly, और इन ऑर्डर टू अचीव द एम कॉमा, इफ कंडीशनल सेंटेंसेस. तो इस तरीके से यहाँ पे कनेक्टर्स यूज हुए हैं, दैट बट कहीं पे एंड होगा, सो होगा, इस तरीके से. ये देखें एंड है. दीज आर कनेक्टर्स यू हैव टू यूज. इन कनेक्टर्स के स्पेशल मार्क्स होते हैं. सिर्फ आपके कंटेंट के मार्क्स नहीं होते, यू विल बी गेटिंग मार्क्स ऑन द बेस ऑफ टास्क अचीवमेंट
कनेक्टर्स, टास्क अचीवमेंट के आपने रेलिवेंट लिखा, 250 वर्ड्स लिखे 40 मिनट्स में, CCS कोहेजन एंड कोहेरेंस, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा था, दीज आर कनेक्टर्स। देन आपके पास आता है लेक्सिकल रिसोर्सेज, वोकैबुलरी, और फिर ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, ग्रामर। ये चार चीज़ें आती हैं, ये चार चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हम मूव करेंगे टूवर्ड्स द फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज ऑब्वियस दैट टेकिंग रिस्क विल कॉज अ ग्रेट लॉस इफ पीपल डू इट एंड फेल। ये कंडीशन लगा दी है, इफ पीपल डू इट एंड फेल, ठीक है। इन पर्सनल लाइफ दिस लॉस माइट नॉट बी हार्मफुल, हाउएवर इट विल बी रियली हार्मफुल इन प्रोफेशनल लाइफ। पर्सनल लाइफ में इतना ज्यादा नुकसान दे नहीं है जितना ज्यादा नुकसान दे ये प्रोफेशनल लाइफ के अंदर है। बिकॉज ये रीजन आ गई, ये भी कनेक्टर ही है, बिकॉज पीपल टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट ओनली फॉर देमसेल्व्स बट ऑल्सो अदर्स सच एज कोलीग्स, कस्टमर्स एंड देयर फैमिलीज। आप जो रिस्क ले रहे हैं वो रिस्क सिर्फ आपकी जात तक नहीं है, आपके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सब के लिए। इट विल इवन डैमेज द सोसाइटी फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट, ये डैमेज भी कर सकता है। ओके, वी कैन रिसीव ह्यूज बेनिफिट्स बाय टेकिंग रिस्क। फर्स्टली वी कैन लर्न हाउ टू प्रिपेयर फॉर वन गोल थ्रू दिस प्रोसेस। इन ऑर्डर टू अचीव द एम, पीपल मेक ऑल द एफर्ट्स टू थिंक अबाउट ए एंड ट्राई टू फाइंड मोर एफिशिएंट वे। यहाँ ऊपर वो बता रहा है कि नुकसान हो सकता है, यहाँ कहता है जब और कोई ऑप्शन ही नहीं है तो देन यू हैव टू ट्राई हार्ड, फिर सब कुछ आपने यहीं पे करना होता है। इफ दे डू दिस इन द प्रोफेशनल सर्कमस्टांसिस दे विल रिकॉग्नाइज देयर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेशन। तो ये चीज़ें उनकी सीखने को मिलेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, उनका कोऑपरेशन बढ़ेगा, एंड इट विल बी कम्प्लीटेड कम्प्लीटली मीनिंगफुल इवन दो पीपल कांट अचीव। अच्छा, ये जो कांट है ना, यू आर नॉट अलाउड टू राइट दिस कॉन्ट्रैक्शन हियर इन एसे। ये जो कॉन्ट्रैक्शन होती है इट इज अलाउड ओनली इन इनफॉर्मल लेटर, नॉट इन फॉर्मल लेटर, वो भी जनरल ट्रेनिंग वालों के लिए, और एकेडेमिक वालों के लिए ना ऐसे में ना रिपोर्ट राइटिंग में ये चीज अलाउ है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे थे, अचीव द गोल आफ्टर टेकिंग रिस्क। दे विल लर्न द रीजन वाई दे हैव फेल्ड एंड हाउ टू चेंज इट। द फेलियर विल एनेबल देम टू इम्प्रूव देयर रिस्क, देयर स्किल्स एंड टू अचीव देयर ऑब्जेक्ट नेक्स्ट टाइम। तो उनकी स्किल्स भी बढ़ेंगी और नेक्स्ट टाइम वो अपने जो ऑब्जेक्टिव है उनको भी अचीव कर लेंगे। एज आई मेंशन, इट इज ट्रू दैट टेकिंग रिस्क गिव अस बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। दोनों फायदे भी हैं दोनों तरफ और नुकसान भी हैं। नुकसान ये होता है कि आपका भी नुकसान है, आपके साथ जितने लोग हैं, योर कलीग्स, फैमिली मेम्बर्स, उन सब का नुकसान है, आप नीचे भी आ सकते हैं। बेनिफिट यह है कि यू विल बी डेवलपिंग द न्यू स्किल्स। हाउएवर इट कैन बी आर्ग्यूड दैट द बेनिफिट्स आउटवे द ड्रॉबैक्स, यानी कि बेनिफिट्स ज़्यादा हैं नुकसान से। दैट वी कैन ऑब्टेन एडवांटेजेस नॉट ओनली फ्रॉम द रिजल्ट बट ऑल्सो फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ टेकिंग रिस्क, यानी कि आप स्किल्स भी डेवलप करते हैं, एक्सपीरियंस भी गेन करते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीज़ें इम्प्रूव कर लेते हैं। दिस इज द थिंग। सर, एक एवरेज कैंडिडेट कितने मार्क्स ले सकता है राइटिंग टास्क में? एवरेज 6 to 7, इन बिटवीन 6 to 7। जी सर, इजीली आ जाते हैं? हाँ, इतने आ जाते हैं। आप लोग राइटिंग एक लिख के भेजें ना, पोर्टल पे भले लिख के भेज दें, मैं असेस करके तो फिर आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे हमारे पास ना एग्जामिनर की फीडबैक होगी, दिस इज द एग्जामिनर फीडबैक। एग्जामिनर यहाँ पर क्या कहते हैं कि द रिस्पॉन्ड डिस्कसेस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस फॉर टेकिंग रिस्क, दोनों उसने बताए हैं। इट पुट्स मच ग्रेटर एम्फोसिस ऑन रिस्क प्रोफेशनल लाइफ, ज्यादा उन्होंने प्रोफेशनल लाइफ की बात की है। एज दिस रिस्पॉन्स इज 250 वर्ड्स, इट इज ओनली 242, तो ये अंडर लेंथ हो गया। मोर कुड बी एडेड, मैं उसको भी अंडरलाइन किया हुआ है इसी माइनस लिस्ट को। जी, सिर्फ 8 लफ्ज कम है तो उसको भी इन्होंने हाईलाइट किया। हाँ, टास्क अचीव तब होगा जब आप 250 वर्ड्स लिखेंगे, 8 वर्ड्स कम है तो वो अंडर लेंथ में चला जाता है।
आंसर शीट में नीचे लिखा होता है अंडर लेंथ, तो एग्जामिनर वहां क्लिक कर देता है। मोर कुड बी एडेड टू इंक्लूड द रिस्क। जी इसमें हम काउंट करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ या दे हैव टू काउंट द वर्ड, दे हैव टू काउंट द वर्ड। सपोज फर्स्ट लाइन में 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो आप एवरेज 12 कर लें। 12 करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो एवरेज इस तरह बन जाती है। ओके ये कह रहा है जी मोर कुड बी इंक्लूडेड इन द रिस्क टू द पर्सनल लाइफ, कि पर्सनल लाइफ पे उसने कम बातें की हैं, प्रोफेशनल लाइफ पे ज़्यादा की हैं, तो यहाँ पे मजीद हम कुछ इंक्लूड कर सकते हैं। ओके अलॉन्ग विद द स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स ऑफ रिस्क दैट पी, यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल भी देनी है, ये देखें। ओके देर इज़ अ क्लियर प्रोग्रेशन थ्रू द रिस्पॉन्स एंड आइडियाज आर लॉजिकली ऑर्गेनाइज, प्रोग्रेशन भी है और जो आइडियाज़ हैं वो लॉजिकली बताए गए हैं, ये भी प्लस पॉइंट है। एग्जाम्पल दी जा सकती है। कोहेसिव डिवाइसेस कैन बी क्वाइट मैकेनिकल विद एग्जाम्पल्स एट द स्टार्ट, मोस्ट सेंटेंसेस वर्ड जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, ऑन द अदर हैंड ठीक है, फर्स्टली भी ठीक है, एंड इट दिस लॉस दे द फेलियर। ओके द फर्स्ट पैराग्राफ इज़ वेरी शॉर्ट एंड पैराग्राफिंग इज नॉट इंटायरली लॉजिकल, यानी कि एक पैराग्राफ छोटा है एक पैराग्राफ बड़ा है, और लॉजिकल मीन के अगर एक तरफ प्रोफेशनल लाइफ की बात हो रही है तो दूसरी तरफ पर्सनल लाइफ की बात होनी चाहिए, उसने मिक्स किया हुआ है, दैट्स वाई ही सेइंग इट्स नॉट लॉजिकल। ओके वोकैबुलरी इज इफेक्टिव विद सम लेस कॉमन आइटम्स, जैसे कि डैमेज द सोसाइटी, ये उसने कहा ये अच्छी चीज़ है, रिसीव ह्यूज बेनिफिट्स, ये भी वो कह रहा है अच्छी चीज़ है, एनेबल का वर्ड, ऑब्टेन एडवांटेजेस फ्रॉम द प्रोसेस। अब देखें ये कोई हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स तो नहीं है ना, बट ही इज सेइंग ही यूज लेस कॉमन वर्ड्स, लेस कॉमन वोकैबुलरी वर्ड्स। ओकेजनल एरर्स रिमेन्स, लाइक ऑब्जेक्टिव को उसने ऑब्जेक्ट लिख दिया था, पर्सपेक्टिव को उसने पॉइंट लिखा हुआ है, सेंटेंस स्ट्रक्चर इज गुड विथ फ्रीक्वेंट एरर फ्री स्ट्रक्चर, देर इज अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग, जैसे इफ कंडीशनल्स मैंने बताया था ना कि उसने एक जगह इफ भी यूज किया हुआ है, बट अ फ्यू एरर्स रिमेन। टू इम्प्रूव द रिस्पॉन्स द वर्ड काउंट शुड बी 250, और एक एग्जाम्पल भी प्रोवाइड करनी है, यानी कि 250 पे भी काम करना है और एग्जाम्पल्स पे भी काम करना है। सो व्हेन यू विल बी राइटिंग योर एसेज यू आर सपोज टू राइट एग्जाम्पल्स, डमी एग्जाम्पल दे दें कि इन माई फैमिली मेम्बर वन ऑफ माई कजन्स, या किसी भी पोलिटिकल लीडर की, किसी डॉक्टर की, किसी भी प्रोफेशनल की, यू कैन गिव एग्जाम्पल कि वो पहले ऐसा था, उसने रिस्क लिया, चेंज किया और ये हो गया। यहाँ तक समझ आ गई, यू हैव टू राइट 4 पैराग्राफ्स, बॉडी 1 विल बी इंट्रो, बॉडी 2 विल बी पर्सनल लाइफ कर दें, बॉडी 3 प्रोफेशनल लाइफ कर दें, एंड देन इन कंक्लूजन एंड यू हैव टू इंक्लूड एग्जांपल्स। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? नो वन इज इंट्रो, देन बॉडी 1 प्रोफेशनल कर दें, बॉडी 2 आप जो है ना पर्सनल कर दें, देन कंक्लूजन, 4 लिखेंगे। मतलब ये इतनी ही स्टैंडर्ड चीज़ है, ये कम ज़्यादा हो सकता है पैराग्राफ में। आप 5 भी लिख सकते हैं, 5 लिख दें, 5 लिख दें, कोई इशू नहीं, यू कैन राइट 5 पैराग्राफ्स। पैराग्राफ में लिखने का क्या फायदा है? ये रिक्वायरमेंट है एग्जामिनर की, ये देखे ना यहाँ लिखे ना पैराग्राफिंग इज नॉट इंटायरली लॉजिकल, तो वो पैराग्राफिंग जब तक इस हिसाब से नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं देगा। एग्जाम्पल नहीं दी, उसने मार्क्स काट लिए, नंबर ऑफ वर्ड्स कम थे, उन्होंने मार्क्स काट लिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, मार्क्स काट लिए।
एक पैराग्राफ में एक पॉइंट को डिस्कस किया जा सकता है, हाँ जब हाँ प्रोफेशनल है या एक एक में पर्सनल पर्सनल, एक में प्रोफेशनल। हाँ जी है। जी ठीक, सर मेरी सिस्टर ने ऑक्सफोर्ड टेस्ट किया था, जी जी उसने मैनेज करवाया था, ओके तो जब उसने स्पीच का दिया था तो उसने जो वो बोल रही थी तो जाहिर है उसको एग्जैक्टली नहीं पता था कि हाँ वो क्या कह रहे हैं, तो वहाँ पे उसने एक लफ्ज़ की मिस्टेक की थी, उन्होंने उसको भी हाईलाइट करके लिख के भेजा था कि आपने यहाँ पे हमें लगा था कि आपने इस तरह से बोला था, ये आपको हमें फील हुआ था कि आपने यहाँ पे कुछ और बोलना था तो ये बोला, तो मतलब एग्जामिनर इतनी छोटी सी चीज़ें भी नोट नोट करते हैं करते हैं, हमारे बिल्कुल पास। नोट करते हैं। उनका विदाइल्ड हो गया था, नहीं सर, विधायक नहीं हुआ था, उसका क्लियर कर दिया था, लेकिन जिस से आया था उसका 7 रिक्वायर्ड था, तो हाँ, वो चांस जब तो उन्होंने रट्टा नहीं लगाया था ऐसे को। सर वो सारा ग्रोथ सर बड़ा अच्छा मैनेज हुआ था, 7 था स्पीकिंग में, तो नहीं, जो सर नहीं था वो ठीक था। वो तो LAW था ना। हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं ना आफ्टर डूइंग LAW, हम उनको एक हफ्ता रगड़ा लगाते हैं स्पीकिंग में। पार्ट वन वी आस्क देम डिफरेंट क्वेश्चंस, फिर पार्ट टू जो होता है वो प्रेजेंटेशन है, वो हम डिफरेंट टॉपिक्स उनको दे देते हैं पहले से। दिस इज़ द टॉपिक। सर उसने स्पीकिंग भी मैनेज कराया था, स्पीकिंग भी उसका पोएट्री जो है वो सेम भी था, और वो बिल्कुल भी उनको फील नहीं हुआ था, 7 था स्पीकिंग में उसका, अच्छा 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 काफी उसे इच्छा और उसका 7 था, तो उसमें एक लफ्ज सिर्फ उसने कर दिया था आगे पीछे, वो बोलना कुछ और था तो नहीं वहां से देखे, क्योंकि वो सारे डिक्टेशन थे वो डिक्टेट कर रहे थे, तो इसलिए वो एक उसकी गलती हुई थी, उन्होंने उसको हाईलाइट किया था ज्यादा। सही।